Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गाइज अभी मैं सो के उठा था तो अभी पापा ने बताया कि भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से तीतर ने दोबारा से बच्चे निकाल दिए, तो ये तो हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है भाई। तो अभी चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अपना तीतर के बच्चे दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बंदे से मिलवाता हूँ जो कि हमारे घर का एक छोटा सा इतना सा है, यूट्यूबर है माशाल्लाह से, वो ये बैठा हुआ है। हाँ भाई, हाँ कैसे हैं गाइस? ठीक है हम लोग, खबरी है हमारे तीतरों ने बच्चे दिए हैं। तीतरों ने नहीं, एक तीतर ने, मतलब वो जो आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाई थी, सबसे पुरानी जो हमारी तीतर थी, तीतरी थी, उसने माशाल्लाह माशाल्लाह तीसरी दफ़ा, पहली दफ़ा जो बच्चे दिए वो बड़े हो गए, फिर दूसरी दफ़ा बच्चे दिए वो एक एक करके मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन वो बच्चे, छः बच्चे दिए थे, छः के छः मर गए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने दोबारा करम किया है, तीतर ने दोबारा से माशाल्लाह छः बच्चे और दे दिए। 8 अंडे थे जिसमें से 2 ख़राब हो गए, 6 बच्चे निकल आए, वो मैं आपको चल के दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। गाइस उससे पहले हम चलते हैं, और आज मतलब माशाल्लाह से मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो सुबह 11:30 का टाइम हो रहा है, 11:30 का, लेकिन अभी जो मौसम है, मौसम माशाल्लाह से बहुत प्यारा हो रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ चल के। देखिए मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है भाई, माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। मशीन भी लगाई है मामा, मशीन में कपड़े भी धो रही है मामा, और इसके जूते भी लगा रही है। चले बस करें, अभी जा रहे हैं हम लोग अंदर, आपको मैं दिखाता हूँ ले आके जो तीतरी ने अंडे जो दिए हैं। अंधेरा नहीं आ रहा है, मैंने रेजोल्यूशन इसकी कम की है, तो अभी चलते हैं। चाबी ले ली है, मैं चप्पलें पहन लेता हूँ। तो गाइस अभी बाहर आ चुका हूँ मैं, ये अपना ताला खोल दिया है इसका दरवाजे का, वो देखें बच्चे कहाँ बैठे हैं। ये देखो भाई, ये देखो, चलो इसको हम बंद कर देते हैं, यहाँ पे दरवाजे को लगा देते हैं ताकि तीतर बाहर ना जाए। तो अभी ये देखो, ये जो बच्चे देख रहे हैं, ये जो उड़ रहे हैं, ये पहली दफ़ा है अभी अंदर ये बैठे हैं माशाल्लाह से, वो देखें भाई बच्चे, इसको यहाँ से हम खोल देते हैं थोड़ा सा। चलो अंदर 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 अंदर, वो देखो बच्चे माशाल्लाह, ठीक है। ये माशाल्लाह तीसरी दफ़ा जो उसने दिए ना, ये वो वाले बच्चे, चलो कल बंद करो उसको। ये वाली जो तीतरी है, इसने भी अंडे दिए थे लेकिन इसके हो गए ख़राब, ठीक है। तो ये 1, 2, 3 बाकी आगे पीछे घूम रहे हैं, 5-6 बच्चे हैं वो इस वाली मादी के, ठीक है ना, वो इस वाली मादी के हैं। फिर इसने जो दोबारा जो मतलब जो दोबारा जो बच्चे अंडे दिए थे, वो अंडे ख़राब हो गए, फिर दोबारा अंडे दिए, उसमें से ये वाले बच्चे निकले जो भी अभी आपको मैंने दिखाए छोटे वाले। अभी ये है कि इनका सेटअप हम लोगों ने करना है दूसरी जगह शिफ्ट, मतलब दूसरे घर पर शिफ्ट करना है, वहाँ पे लेके जाएंगे, वहाँ पे इनकी अच्छी तरीके से इनकी ब्रीडिंग वगैरह वहाँ पे करवाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर पापा ने बोला कि भाई इनको सेल करने, क्योंकि घर के बच्चे हैं माशाल्लाह देसी बच्चे हैं, एक्सपेंसिव हैं, ईरानी भी हैं, दफनी भी हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं पापा क्या बोलते हैं, पापा अगर बोलेंगे कि भाई सेल करना है इन फ्यूचर, तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि सेल नहीं करना है, ठीक है ना। बाकी ये है असनैन बैठा हुआ है, असनैन को भी माशाल्लाह बहुत शौक है, असनैन तो अभी पीछे लगा हुआ है यार, गाय का बच्चा लेकर आना है असनैन। क्या फिर क्या प्लान है इन फ्यूचर का? इंशाल्लाह लेकर आएंगे। हाँ आप सब्सक्राइबर करवा देते हैं चैनल पे। इतने 1K सब्सक्राइबर, तो भाई असनैन कह रहा है अगर आप मेरे चैनल के ऊपर 1K सब्सक्राइबर करवा देते हैं, तो जो कि आज का ट्रेंड बना हुआ है हर यूट्यूबर, कौन कौन से वैम्पायर हो गया और मिशकात खान हो गया, और अपना वो भी तो लेकर आया है ना, दूसरा क्या नाम है उसका, सैयद फहद भी लेकर आया है, वो भी गाय का बच्चा लेकर आया है। तो मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि भाई अगर आप मेरे चैनल के ऊपर 1K सब्सक्राइबर करवा देते हैं, जैसे ही 1K सब्सक्राइबर होंगे उसके अगले दिन जाके हम गाय का बच्चा लेकर आ जाएंगे, उसकी परवरिश हम कैसे करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे, है ना भैया। अगले साल या तो फिर अगले 2 साल में अगर वो तैयार होता है, 2 दांत होता है, तो उसके हम लोग कपाल की कुर्बानी करेंगे, उसका सवाब भी ज़्यादा है। हाँ तो उसका सवाब भी ज़्यादा है, ये कुछ कह रही है मेरे से, क्या कह रही हो?
हाँ खोल दिया। हाँ बोलो क्या कह रही हो। हाँ बाहर आना है। नहीं बाहर नहीं आना है अभी, अभी यहाँ पे बहुत सारे वो है ना तीतर, वो मारेंगे बच्चों को ना, बच्चे जो है ना। ये पांच बच्चे कैसे हैं यार, एक और बच्चा कहाँ है? एक तीतर के पीछे कहाँ है, नजर तो नहीं आ रहा है। हाँ हो रहा, ये देखो भाई माशाल्लाह से छह बच्चे ये हैं। आ जाओ अब 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 बाहर आने की कर रही है, वो कह रही है कि मुझे थोड़ा सा बाहर निकालो ताकि मैं आगे पीछे घूमूं फिरूं उनके साथ, सब बड़े वालों के साथ ना। नहीं बाहर नहीं आना अभी तुमने, ना बाहर आओगी ना मारेंगे ये। मारने वाला की तरह वो जो नर है ना, ये वाला, ये भागा भागा भागा, वो नर है ना वाला। हाँ नर है ये, हाँ नर है ना ये वाला, ये मारता है। इसने पहले दो बच्चे मारे थे जो ये वाले हैं, इनमें से भी एक बच्चा मारा था इसी ने, ठीक है ना। और इसके जो इसने बच्चे दिए थे पहले, छह बच्चे दिए थे उसने, इसने मारा था इनको ना। तो अभी ये दूसरी वाली जो मादी है वो ऊपर बैठी है, ठीक है। ये वाली जो मादी है ये भी दोबारा से माशाल्लाह अंडे देने वाली है, अंडों पर है ये भी इंशाल्लाह। इसके भी निकलेंगे तो वो भी दिखाएंगे। बाकी ये गलती से आपका भाई जो ना इंसान से हो जाती है गलती, तो बस गलती से ये वाला तीतर लेकर आ गया था मैं, जो कि ये जंगली तीतर है। ये देखें ये जंगली तीतर है, गलती से लेकर आ गया था भाई। इसका अभी तक इसको बंद करके ही रखा हुआ है, टकरे मारता है मार टकरे मार। इसकी जो मादी थी वो मादी मर गई, इसकी वो भी टकरे मारती थी, तो गलती से लेकर आ गया था यार। ये वापस तो देखते हैं इसके जो मादी को बना लेंगे, भाभी को बनाएंगे इसको काट के, अल्लाह ऊपर करके भाभी को बना लेंगे। सही है ना सर? हाँ छठे बनाएंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। अरे बारबियों की भी बात क्या चल रही थी माशाल्लाह से भाई, मौसम तो बड़ा टाइट हो रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ आज ही इसको ज़रा अल्लाह अकबर करके ना इसको कुर्बान कर देते हैं और इसका बारबी को बना क्या कहते हैं दोस्त है ना, अभी आज कर दें इसको कुर्बान। पापा गुस्सा करेंगे भाई, तुम लोगों ने मेरी इजाज़त के बगैर इसको कुर्बान कर दिया और इसका बारबी को भी बना लिया। पापा यार सो रहे हैं, पापा को आराम कर रहे हैं। पापा ना अभी डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है, पापा वैसे भी थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। तो पापा कैसे हैं आपको पता है ना, पापा थोड़ा गुस्से वाले हैं। तो अभी पापा को हम बोलेंगे तो फिर पापा जो ना गुस्सा करेंगे हमारे ऊपर। ये अभी मैंने सो रहा हूँ, तुम लोगों ने उठा दिया। अबे यार घबरा, ये देखो बगैर बताए आप आ गए, आपने दरवाज़ा खोला है ना, अभी ये बच्चे आ जाते बाहर निकल जाते। बंद करो, आप क्यों आए हो हैं, क्यों आए हो आप, जवाब दो। वैसे ही आ गया भाई नवराज ना, अब हम लोग तो ब्लॉग बना रहे थे, इसको थोड़ी पता ही ऐसे ही आ गया अंदर। यार ये बोल रही है कि मुझे बाहर निकालो, इसको थोड़ी देर बाहर निकालते हैं। आ जा, चलो 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 जाओ। मैं माँ को निकाल दिया बाहर, अब ये थोड़ा सा खुश होगी, उसके बाद फिर इसको मैं बंद करता हूँ ना। अब ये जाएगी मट्टी के अंदर थोड़ा सा खेलने के लिए, तो देखो मट्टी के अंदर चलेगी अंदर। यार अंधेरा बहुत आ रहा है उसमें ना, मौसम भी थोड़ा सा बना हुआ, नज़र तो आ ही रहा होगा आप लोगों को, फिर मिट्टी में खेल भी है। अच्छा दिखाना वहाँ जाके लाइट जरा, ये मिट्टी में खेल रही है, अभी निकल कर आई है तो मिट्टी में खेल रही है, अभी मिट्टी में खेल के फिर बाहर आई है। आओ आजो आओ 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 आजो आजो आजो। हाँ बच्चे सीख रहे हैं ना इसके, अभी बच्चों के पास आएगी। आओ चलो पीछे पीछे थोड़ा सा पीछे भाई पीछे आओ आओ आओ। गाइज अभी हम ख़त्म करते हैं यहीं पे अपना व्लॉग, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो गाइज आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि भाई आप जो है ना, हसन क्या था वो, 1K सब्सक्राइबर करवाएं, गाय का बच्चा लेकर आएंगे, ठीक है ना इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के आप अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।